हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैकरल कटलेट। बाजार में बहुत ही सस्ते और ताजे मैकरल आ रहे हैं और मेरे बच्चों को मैकरल कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। मैकरल कटलेट बनाने के लिए हमने इधर लिया है एक बड़ा टोमेटो, मैंने बारीक चॉप करके लिया है। दो बड़े ओनियन मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं। मैकरल मैंने 7-8 मैकरल लिए हैं, लेकिन उसका ऊपर का पार्ट नहीं लिया मैंने। मैंने उसको अच्छी तरह से धो के नमक में और हल्दी डाल के उसको बॉईल करके लिया है। कोकोनट ऑयल लिया है, ब्रेड क्रम लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप सूजी भी ले सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर लिया है, अदरक लहसुन पीस लिया है, गरम मसाला लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है। दो मैंने अंडे लिए हैं, उसका मैंने येलो पार्ट ही लिया है। इमली का पल्प लिया है, अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। कोरिएंडर मैंने बारीक चॉप करके लिया है, हल्दी लिया है और नमक। तर आता आम्ही बांगड्याची कटलेट करपाक घेऊया। चला सुरू करूया आम्ही आमचं कटलेट करपाचा व्हिडिओ। आता आम्ही कटलेट करपा बांगड्याचे कपे काढून घेऊया। काळो पार्ट असता पण तो काढून घेऊया मस्सो। हवे वेलो पार्ट घेतलो ना, किद्याक मस्से ताका काटे चोड असता। उसका काला पार्ट अब निकाल सकते हैं, ये काला पार्ट नहीं लेना है आपको। और आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि उसमें काटा नहीं आना चाहिए। ऐसे करके हम सब उसका पल्प निकालेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें काटा नहीं रहना चाहिए, अगर काटा आपको मिला तो आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अभी गैस पर पैन चढ़ाया है, कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ मैं थोड़ा। इसमें ओनियन डालेंगे, हमें उसको थोड़ा फ्राई करना है। थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। ओनियन थोड़ा हमारा पक चुका है तो इस स्टेज में हम टमाटर ऐड करेंगे। ओनियन और टमाटर का मिश्रण अभी थोड़ा पक चुका है तो अब उसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट में थोड़ा नमक रहता है, टेस्ट करके हम उसमें बाद में नमक ऐड करेंगे। नमक डाल रही हूँ। इस स्टेज में हम उसमें मसाले ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सब हम मिक्स करके लेंगे। गैस आप मीडियम और तेज कर सकते हैं, मैंने गैस मीडियम ही रखी है। गैस अब बंद करेंगे। जे बांगड़े आम्ही सगले मिक्स करून घेतले असा तिथून आम्ही आता हे बैटर काढूया,
कांद्याचे आणि टमाटरचे हे मिश्रण अब हम इसमें सब निकाल के लेंगे। यह हमें सगले था मिक्स करिया, ये हम सब मिक्स करके लेंगे। आता मैं भीतर ताती घालिया, हम इसमें अंडा मिलाएंगे। मैंने येलो पार्ट ही लिया है, इमली का पल्प मैंने लिया है। आप उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। और चॉप कोरिएंडर हम सब हाथ से ही मिक्स करेंगे। अब हम कटलेट बनाएंगे। ब्रेड क्रम उसको ऐसे लगा के रखना है। पैटी अब तैयार है, तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आधी हम उसको एयर फ्रायर में डालेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसको कम तेल में एयर फ्रायर में बना सकते हैं। अगर आप एयर फ्रायर खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उधर जाके एयर फ्रायर खरीद सकते हैं। अब हम गैस पर पैन चलाएंगे। थोड़ा मैं तेल डाल रही हूँ, तेल गरम हो चुका है। अब हम शैलो फ्राई करेंगे। गैस हमें धीमी रखनी है, इसको हम थोड़ा पलट लेंगे। कटलेट हम बनकर तैयार हैं, तो अब हम उसको सर्व करेंगे। आप इसको सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को सॉस के साथ कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। अपने बच्चों को कटलेट बनाकर ज़रूर खिलाइए। बच्चों को कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।